यस स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। यानी कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। ये क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि क्वालिटी बताते हैं। किसकी क्वालिटी बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन की। यानी कि विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। और जब नाउन और प्रोनाउन के साथ वो ऐड होते हैं तो क्या करते हैं? उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। जैसे इधर देखिए, एक एग्जाम्पल हम आपको देख के बताते हैं। He is a good boy. तो अब यहाँ पर ये क्या है कि boy क्या है? ये noun है। तो अब इसके साथ जब good word क्या है? ये विशेषण है, यानी कि adjective है। तो जब ये boy के साथ add हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ? He is a boy, ये क्या है? Simply वो एक लड़का है। लेकिन हमने इसमें good लगा दिया या bad लगा लिया तो क्या हो गए? उसकी मीनिंग चेंज हो गई कि वो लड़का कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो उसकी मीनिंग चेंज कर दी नाउन के कि वो लड़का कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा है। गुड लगा लिया तो अच्छा है और बैड लगा लिया तो बुरा है। तो यानी कि जो एडजेक्टिव होते हैं, जब नाउन और प्रोनाउन के साथ ऐड होते हैं तो क्या करते हैं? उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। माई फादर इज़ काइंड टू पुअर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये देखिए, काइंड और पुअर क्या है? ये भी एडजेक्टिव की एग्जाम्पल हैं कि मेरे पापा जो हैं वो कैसे हैं? काइंड हैं। किसको? पुअर को। ये देखिए, राइप, राइप क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। डिलीशियस, ये भी क्या है? ये क्वालिटी बता रहे हैं। विच, यहाँ पर ये भी एडजेक्टिव है कि कौन सा ड्रेस, यानी कि बता रहे हैं कि ड्रेस किसका है। तो ये भी सब क्या है? ये एडजेक्टिव हैं। अब देखिए, पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव। अब जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो बिफोर द नाउन, यानी कि नाउन से पहले भी आ सकते हैं। जैसे रो क्या है? ये नाउन है। बटरफ्लाइज, ये भी नाउन है। वेदर, ये भी नाउन है। तो स्ट्रॉन्ग क्या है? यानी कि नाउन से पहले आए हैं तो ये नाउन से पहले भी आ सकते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग रोप, कलरफुल बटरफ्लाइज, बैड वेदर, तो ये नाउन से पहले भी आ सकते हैं। और एडजेक्टिव क्या होगा? यहाँ पे वर्ब के बाद भी आ सकते हैं। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब हैं, तो इनके बाद भी आ सकते हैं। जैसे द रोप इज स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या है? इसके बाद आए। आर कलरफुल, वॉज बैड, तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आ सकते हैं। वेन एडजेक्टिव कैन केम आफ्टर द एडवर्ब वेरी। और ये मोस्ट एडजेक्टिव जो होते हैं वो एडवर्ब, यानी कि जो एडवर्ब वेरी होता है उसके बाद भी आते हैं। जैसे वेरी इंटेलिजेंट, वेरी कोल्ड, वेरी बैड, वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये एडवर्ब के बाद भी आ सकते हैं। लेट्स सी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो देखिए, कौन कौन से काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव के? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, सब क्या है? ये एडजेक्टिव के काइंड हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे इसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि एडजेक्टिव क्वालिटी क्या होता है? जो क्वालिटी बताता है, यानी कि कोई भी जो पर्सन है या चीज़ है उसकी क्या बताता है कि वो किस टाइप का है, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ ए थिंग, यानी किस तरह की चीज़ है, किस क्या क्वालिटी क्या है उसकी। जो पर्सन और चीज़ों की क्वालिटी बताते हैं उन्हें, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्वालिटी कहते हैं। जैसे आई लाइक रैप मैंगोज, तो मैंगो की जो क्वालिटी है वो क्या है कि जो मैंगो है, जो आम है, मतलब मुझे कैसे आम पसंद है? राइप, यानी पके हुए। तो ये मैंगो की क्वालिटी है कि वो पके हुए पसंद है। द एलिफेंट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एनिमल। एलिफेंट की क्वालिटी क्या है कि वो क्या है? स्ट्रॉन्ग, यानी कि ताकतवर है। तो ये क्या हो गई? इसकी क्वालिटी, यानी क्वालिटी बता रहे। तो जितने भी वर्ड्स क्वालिटी बताते हैं सेंटेंस में, जितने भी एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। शिवानी इज़ ए सिंसियर लेडी, तो सिंसियर क्या है? ये भी क्वालिटी बता रहे हैं। एडजेक्टिव क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का मतलब क्या है? जो बताते हैं कि कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में है कोई भी चीज़ जो है, कितनी है, हाउ मच, यानी कि कितनी मात्रा में है। तो कौन कौन से वर्ड जो है वो क्वांटिटी बताते हैं? लिटिल, देयर इज़ ए लिटिल मिल्क, मिल्क कितना है? थोड़ा है। सम, मच, ये सारे वर्ड क्या है? जो क्वांटिटी बता रहे हैं, लिटिल, सम, मच, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव क्वांटिटी कहलाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव नंबर में क्या एडजेक्टिव नंबर क्या बताता है कि हाउ मेनी पर्सन थिंग आर, यानी कि जो पर्सन और थिंग है वो कितने हैं, मतलब उनकी काउंटिंग कितनी है और किस ऑर्डर में है, यानी कि किस उनके जो ऑर्डर है वो क्या है। जैसे तो अगर हम उनका एग्जैक्टिव स्टेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन, अगर जो एडजेक्टिव एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं 1, 2, 3, 4, तो ये क्या कहलाते हैं? कार्डिनल्स। और ऑर्डर बता रहे हैं कि कौन सी पोजीशन पे वो खड़े हैं, यानी कि फर्स्ट पर हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये क्या कहलाते हैं? ऑर्डिनल्स। तो यानी कि एडजेक्टिव नंबर में क्या होते हैं? ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स। यानी कि कार्डिनल्स किसे कहते हैं? जो नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। और ऑर्डिनल क्या कहते हैं? जो ऑर्डर बताते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसके अलावा एडजेक्टिव नंबर कौन कौन से होते हैं? ऑल, मैनी, फ्यू, सम, ये नंबर नहीं बताते, लेकिन ये मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते, लेकिन नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एडजेक्टिव नंबर में क्या होता है कि जिन जो एडजेक्टिव नंबर बताते हैं और ऑर्डर बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो क्या करते हैं?
डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं पर्सन प्लेस होते हैं, यानी कि इशारा करते हैं कि हम किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किस प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, या किस थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दिस दैट दीज दोज ये सब क्या कहलाते हैं? डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। दिस दैट जो है हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं और दिस दोज हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। दिस हम कोई चीज़ अगर आपके पास है तो हम दिस का यूज़ करेंगे सिंगुलर है, और अगर पास है प्लूरल है तो दिस का यूज़ करेंगे। सिमिलरली जो दैट वर्ड है वो अगर कोई चीज़ आपके दूर है और सिंगुलर है तो दैट का यूज़ करेंगे, और आपसे दिस पास है और सिंगुलर है तो दैट का यूज़ करेंगे, और अगर आपसे दूर है और प्लूरल है तो दोस का यूज़ करेंगे। तो ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो जिसमें क्या होता है, ये यूज़ होते हैं नाउन के साथ क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ यूज़ होते हैं, जैसे विच सॉन्ग, व्हाट प्लेस, हुज वॉलेट, यानी कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं विच, व्हाट, वेयर, लेकिन ये हमेशा क्या होते हैं? नाउन के साथ यूज़ होते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या पहचान है कि इसके साथ हमेशा नाउन लगा होता है, जैसे सॉन्ग, प्लेस, वॉलेट, लेकिन प्रोनाउन में कोई नाउन नहीं लगा होता WH क्वेश्चन वर्ड के साथ, ये इसकी पहचान है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो पजेशन शो करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ किसको बिलोंग कर रही है, किस कौन इसका मालिक है, मतलब किसी भी चीज़ पे किसका अधिकार है, जैसे इट्स लीव, द ट्री इज़ लॉसिंग इट्स लीव, तो यानी कि ट्री ने क्या किया, अपने लॉस कर लिए अपने पत्ते, यानी कि इट्स क्या शो कर रहा है? अधिकार शो कर रहा है। अवर कार, कार किसकी है? हमारी। देयर टीचर, द स्टूडेंट थैंक देयर टीचर, तो स्टूडेंट किसे कर रहे हैं? अपने टीचर को, यानी कि अधिकार शो हो रहा है, बताया जा रहा है कि उनकी टीचर। अब तो देखिए माई, हिज, हर, इट्स, ये जो ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं जो सिंगुलर के लिए यूज़ किए जाते हैं, प्लूरल के लिए अवर देयर यूज़ करते हैं, और जो वर्ड दोनों के लिए यूज़ होता है वो कौन सा होता है? योर। अगर हम मेल की बात करें, मैस्कुलिन में मेल की बात करें तो हिज का यूज़ करेंगे, फेमिनिन है लड़की की बात करें फीमेल की तो हर का यूज़ करेंगे, न्यूटर है तो इट्स का यूज़ करेंगे, दोनों के लिए क्या होगा? माई, अवर, योर, और मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर के लिए हम देयर का यूज़ करें। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जब हम बहुत सारे पर्सन या थिंग को उनका नाम ना लेके एक साथ क्या करते हैं, एक ही वर्ड यूज़ कर लेते हैं एक टाइम में, जैसे ईच, एवरी, नीदर, ईदर, ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे हमने कहा ईच पेन कॉस्ट 10 रुपीज़, यानी कि हर एक पेन की जो कीमत है वो कितनी है? 10 रुपये, यानी कि हमने क्या किया, हर एक पेन का नाम नहीं लिया बल्कि हर एक पेन को एक साथ कह दिया कि हर एक पेन की कीमत कितनी है? 10 रुपये। एवरी प्लेयर, तो हर एक प्लेयर का नाम ना लेकर क्या कहा? हर एक प्लेयर। यू कैन राइट ऑन ईदर साइड, यानी किसी भी साइड पर तुम लिख सकते हो। ही गेव मी 2 बैट्स, नीदर ऑफ द बैट वॉज गुड, उसने मुझे 2 बैट दिए और उसमें से कोई भी अच्छा नहीं दिया। नीदर जो है ज़्यादातर हम निगेटिव के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो वर्ड है ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सब क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और ये क्या, इसमें ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हम बहुत सारे नाम लेकर चीज़ों को मतलब एक साथ एक ही नाम कह देते हैं कि हर एक पेन, हर एक प्लेयर, इस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं, और ये भी नाउन के साथ यूज़ होता है सेंटेंस में। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव आर द एडजेक्टिव दैट ड्राइव फ्रॉम द प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो किससे ड्राइव होते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जो कोई खास नाम होता है हमेशा कैपिटलाइज होते हैं, तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये प्रॉपर नाउन से ड्राइव होते हैं। जैसे ही इज़ एन इंडियन, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर इसे सोल्जर के साथ ऐड कर दिया तो क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। आई विजिटेड चाइना, तो चाइना क्या है? प्रॉपर नाउन। और अगर फूड के साथ यूज़ हो गया तो ये क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि फूड की आप क्वालिटी बता रही है कि फूड कैसा है, चाइनीज़, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी कि जितने भी प्रॉपर नाउन अगर नाउन के साथ यूज़ होते हैं उसकी क्वालिटी बताने के लिए तो वो क्या बन जाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। अब देखिए ऑर्डर फॉर एडजेक्टिव, अगर हम एडजेक्टिव को अगर बहुत सारे एडजेक्टिव दे रखे हैं उसे रीअरेंज करना है तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा? लेट्स सी, ये देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, अगर बहुत सारे एडजेक्टिव हैं एक सेंटेंस में और उसे आपको ऑर्डर में करना है तो क्या लिखेंगे? पहले उसकी वैल्यू लिखेंगे, देन साइज, देन एज, देन शेप, देन कलर, देन ओरिजिन, देन मटेरियल। जैसे ब्यूटीफुल क्या है? उसकी वैल्यू है। साइज क्या है? स्मॉल। एज क्या है? ओल्ड। शेप क्या है? राउंड। कलर क्या है? ब्लैक। ओरिजिन क्या है? इटालियन है, इटली से आया है। मटेरियल क्या है? गोल्ड का बना हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई नीड टू बाय अ, तो यहाँ पर पहले ब्यूटीफुल आया क्योंकि ब्यूटीफुल क्या है? इसकी वैल्यू पहले आएगी, फिर उसके बाद साइज़ आया स्मॉल है, फिर उसका कलर क्या है? ब्लैक, फिर उसके बाद ओरिजिन क्या है? इटालियन है। तो यानी कि अगर आपको ऐसे ही दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? पहले वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद साइज़ लिखेंगे, देन एज, देन शेप, देन कलर, देन ओरिजिन, देन मटेरियल। आप इसके अकॉर्डिंग उसको रीअरेंज करेंगे और उसके बाद सेंटेंस करेक्ट होगा। शी गिफ्टेड मी चीप, तो चीप यहाँ पर देखिए चीप क्या है? उसकी वैल्यू है। फिर शेप कैसा है? स्क्वायर। और उसका वो क्या मटेरियल कैसा है? वुडन। तो यहाँ पर क्या होगा? पहले हमने वैल्यू लिखी, उसके बाद वैल्यू के बाद क्या था यहाँ पर? उसका जो शेप था वो स्क्वायर था, उसके बाद मटेरियल कैसा था? वुडन।
तो आपको इस तरीके से अरेंज करना है. तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड एडजेक्टिव्स काइंड वेरी क्लियरली.